Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. दशकों से चला आ रहा अयोध्या विवाद का रास्ता अब साफ हो गया है। 5 जजों की बेंच ने तमाम तथ्यों के आधार पर सर्वसम्मत से विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को दिए जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की। हालांकि 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 17 नवंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि रंजन गोगोई के रिटायर होने से पहले फैसला आ सकता है। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फैसला आ ही गया। 9 नवंबर 2019 यानी आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला को देने की बात कही है। वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। अदालत ने कहा जमीन का फैसला कानूनी आधार पर लिया गया। कोर्ट ने कहा आस्था और विश्वास पर कोई विवाद नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सरकार ट्रस्ट बनाए और इसके साथ ही कोर्ट ने पक्षकार गोपाल विरासत को पूजा करने का अधिकार दिया है।